मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के रिजल्ट में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा है। जहां पहले भाजपा के सभी नगर निगमों में महापौर थे, तो वहीं अब महज 9 नगर निगमों में ही भाजपा के महापौर दिखाई देंगे। बात करें कांग्रेस की, तो इसके 5 महापौर नजर आएंगे। इसी तरह एक जगह पर आम आदमी पार्टी, तो एक जगह पर निर्दलीय महापौर दिखाई देगा, जिसके पीछे भाजपा की एक गलती सामने आ रही है, जिससे आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव में भाजपा को नुकसान, 7 महापौर सीटों का हुआ भाजपा को घाटा। प्रत्यक्ष प्रणाली भाजपा पर ही पड़ी भारी, कई जगह प्रत्यक्ष प्रणाली से पिटी भद। दरअसल मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार चाहती थी कि नगर निगमों में महापौर के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएं, लेकिन भाजपा की सरकार ने उनके इस फैसले को पलट दिया और नगर निगमों में महापौर पद के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवा दिए। वहीं अब इसी का खामियाजा भाजपा को ही उठाना पड़ रहा है, जब उसके हाथ से 6 नगर निगम तो गई ही, इसके साथ ही बुरहानपुर और उज्जैन में मुहाने पर आकर बीजेपी को जीत मिल पाई। इसके पीछे माना जा रहा है कि यदि भाजपा कमलनाथ सरकार के निर्णय पर कायम रहती, तो इसका सीधा फायदा भाजपा को ही होता, क्योंकि हर नगर निगम में उसके पास ही सबसे ज्यादा पार्षद के प्रत्याशी हैं और प्रदेश में भी उसी की सत्ता है। वहीं अब इस पर भाजपा का कहना है कि उनकी पार्टी तात्कालीन लाभ के लिए कुछ नहीं करती है, वे दूरगामी परिणाम को देखकर काम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तात्कालिक लाभ के लिए काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूरगामी परिणाम देखती है। जनता के बीच में से जब व्यक्ति कोई चुनकर आता है, वो पावरफुल था, इनडायरेक्ट में उसकी पावर को कम किया जाने का काम कांग्रेस करना चाहती थी, और इसमें स्पष्ट होता है कि कांग्रेस खरीद फरोख्त का काम करना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको नकारा। उन्होंने कहा जनता का जो जनादेश आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे, और इसलिए आप देखो कि सार्थक परिणाम ही आए। कुछ जगह जरूर थोड़ी सी दिक्कत हुई है, लेकिन हमको लगता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने और हमारे नेतृत्व ने जो निर्णय लिया वो बहुत ही श्रेष्ठ निर्णय था, और इसलिए डायरेक्ट चुनाव की बात कही। मैं कांग्रेस को खुशफहमी रहने में रहना चाहिए कि किसी भी जहाँ जहाँ वो जीते हैं, जहाँ महापौर जीते हैं वहाँ परिषद उनकी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमारी जहाँ परिषद है वहाँ पर जहाँ हमारे पार्षद ज़्यादा हैं, वो फिर विकास का कार्य की बात करेंगे, अपने अपने क्षेत्रों से लेकर अपने शहर के विकास को लेकर और लेकर जाएंगे। लेकिन जनता ऐसे कुछ चूके हुई हैं कि उन्होंने विश्वास हम पर नहीं किया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोबारा से जनता का विश्वास जीतने के लिए अपना सर्वस्व लगाएंगे। भाजपा का नुकसान और खुद को नफे में मान रही कांग्रेस का इस मुद्दे पर कहना है कि खजाने को बचाने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह निर्णय लिया था, लेकिन भाजपा ने इसको पलट दिया, जिसका जवाब जनता ने भाजपा को दे दिया। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने भाजपा से स्पष्ट बोला था कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराया जाए, पर भाजपा ने उसे सिरे से नकार दिया, और भाजपा चाहती थी कहीं ना कहीं उसमें फ़ायदा लेना। पर आज आप देखिए किस कदर, आज अगर आप पूरे रिजल्ट उठा के देखें, जो रुझान है वो उठा के देखें, और जो पुलिस पैसा प्रशासन का उपयोग करके उन्होंने हमारी 2 सीटें ले ली, उस हिसाब से अगर कांग्रेस की अगर आप आकलन करें तो कांग्रेस आज प्लस में है। और माननीय कमलनाथ जी का एक ही उद्देश्य था कि जो प्रशासनिक पैसा खर्च हो रहा है, जो हमारा खजाना है, जो ऑलरेडी 3.75 लाख करोड़ के कर्जे में है, तो उसको कहीं ना कहीं कम करने का था। वो चाहते थे जनता का जो पैसा है, जनता का जो टैक्स का पैसा है, उसको बचाया जाए और जनता के ऊपर एक भार ना पड़े। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस काम में भाजपा से चूक तो हुई है, वरना यहाँ पर चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होते तो 16 की 16 नगर निगम भाजपा की झोली में जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।